नमस्कार दोस्तों, जीनियस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको अभी छमाही, तिमाही, दोमाही से रिलेटेड प्रश्न को किस प्रकार से बहुत ही आसान मेथड से बना देंगे, इसी चीज पर मैं अभी चर्चा करने वाला हूं। और यह चक्रवृद्धि ब्याज का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में छमाही, तिमाही या दोमाही का मतलब क्या होता है। तो देखिए, बात क्या है, इस तरह से बोला जाए, ब्याज की दर यदि वार्षिक हो, ब्याज की दर यदि वार्षिक हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर यदि दिया हुआ है, मान लीजिए 20%, और बोला जाए और समय दिया हुआ है, कुछ भी मान लीजिए, जैसे समय 2 वर्ष दिया हुआ है, और बोलेगा ब्याज जो है तिमाही संयोजित होता है। अब देखिए यहां इसका मतलब क्या हुआ, ब्याज जो है तिमाही संयोजित होता है या फिर छमाही संयोजित होता है या फिर दोमाही संयोजित होता है, कंसेप्ट समझिए, उसके बाद जो है जो शॉर्ट ट्रिक होता है बता देंगे। सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, ब्याज की दर वार्षिक है, ब्याज की दर वार्षिक यानी यहाँ जो 20% दिया हुआ है या वार्षिक है, यानी कि ब्याज हमको देना चाहिए वर्ष में, एक वर्ष में जो है 120 रुपया लगेगा, यानी टोटल मेरा जो है 120 रुपया जो है मिश्रधन हो जाएगा। यदि हम किसी से कर्ज लिए हैं तो उसको 120 रुपया देना होगा। लेकिन यहाँ तिमाही बोल दिया, ब्याज जो है तिमाही संयोजित होता है, यानी जो काम जितना काम एक वर्ष में होनी चाहिए था, अब जो है वह कितना टाइम में होगा, 3 महीना में होगा, 3 महीना में वह काम होगा। यदि ब्याज तिमाही हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो है 20% नहीं रह जाएगा, 20% यह नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा, क्योंकि यह जो 20% मान दिया गया है वार्षिक दिया है, यानी 20% जो है वार्षिक है, यानी एक वर्ष में 120 रुपया होना था, लेकिन यहाँ ब्याज तिमाही है, यानी कि 3 महीना में जो है हमको जो है ब्याज किसी को अदा करना है या किसी से ब्याज लेना है। तो अब देखिए 12 महीना होता है टोटल वर्ष में, लेकिन हमको 3 महीना में जो है ब्याज देना है, एक वर्ष में टोटल क्या गो 3 महीना होगा, 1 3 महीना, 2 3 महीना, फिर 3, फिर जो इस तरह से 4 3 महीना होगा। यह जो मेरा 20% है अब कितने पार्ट में बट जाएगा, 4 पार्ट्स में बढ़ जाएगा। क्यों 4 पार्ट्स में बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्याज जो है क्या हो रहा है, तिमाही संयोजित होता हो रहा है, इसीलिए मेरा जो 20 है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वार्षिक था, यह जो मेरा 4 पार्ट्स में बढ़ जाएगा। 4 पार्ट्स में बढ़ने का मतलब क्या है, कितना कितना परसेंट हो जाएगा, 5%, 5%, 5% और 5%। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 20% ना होकर के कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम समय का बात करेंगे, समय जो मेरा यहाँ पे 2 वर्ष है, यह समय जो है 2 वर्ष नहीं रहेगा। 2 वर्ष समय क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जो है 3 महीना हमको ब्याज देना है, एक वर्ष में टोटल क्या गो तिमाही होता है, 1 2 3 4, यानी कि जो काम जो है एक वर्ष में हमको ब्याज देना था, अब एक वर्ष में ब्याज नहीं लगेगा बल्कि 3 महीना में ब्याज लगेगा। जब 3 महीना में ब्याज लगेगा, एक वर्ष का जो है हमको कितना बार ब्याज देना होगा, उनको 4 बार ब्याज देना होगा। तो 2 वर्ष का कितना देना होगा, यहाँ पे हमको 8 बार ब्याज देना होगा, यानी 8 बार कहिए या 8 वर्ष कहिए, या मेरा जो 2 वर्ष है कितना वर्ष बन जाएगा, 8 वर्ष बन जाएगा। तो उसके बाद जो है अब छमाही वाला बात रहेगा, यदि मान लीजिए कहेगा ब्याज की दर वार्षिक हो और ब्याज छमाही संयोजित होता हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। तो देखिए एक वर्ष में टोटल क्या हुआ, छमाही होगा, यहां से लेकर यहां तक एक छमाही, एक 6 महीना, फिर यहां से लेकर यहां तक अगला 6 महीना। तो मेरा जो है यह 20% कितना भाग में बढ़ जाएगा, 2 भाग में बढ़ जाएगा। क्यों 2 भाग में बढ़ जाएगा, क्योंकि जो है एक वर्ष में जो है टोटल क्या वो 6 6 महीना होगा, 2 बार 6 6 महीना होगा, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा, 10%, मेरा 20% 2 भाग में बढ़ जाएगा। और यदि समय का बात करेगा तो एक वर्ष में होता है क्या वो छमाही, एक वर्ष में एक छमाही प्लस दूसरा छमाही, एक वर्ष में 2 छमाही होता है, तो टोटल जो है 2 वर्ष में क्या वो छमाही हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 छमाही हो जाएगा, यानी हमको 4 बार ब्याज लगेगा या 4 वर्ष कहिए, बात एक ही है।
यहाँ तक में कोई दिक्कत तरह का दिक्कत नहीं। उसके बाद यदि ब्याज बोलेगा दो मही संयोजित होता है, इसका मतलब क्या है, ब्याज की दर वार्षिक है लेकिन कहता है कि ब्याज दो मही संयोजित होता है, यानी कि दुए महीना हमको ब्याज लौटाना है। अब जब दुए महीना हमें ब्याज लौटाना है तो मेरा 20% जो है कितना भाग में बढ़ जाएगा, दो महीना एक बार, फिर दो महीना, 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 यानी एक वर्ष जो है 6 भाग में बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है 20% जो है कितना भाग में बढ़ जाएगा, 6-6 भाग में बढ़ जाएगा। 6 भाग में बटने का मतलब है कि प्रत्येक भाग का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20/6 हो जाएगा। और समय मेरा कितना हो जाएगा, यह जो मेरा समय 2 वर्ष है कितना हो जाएगा, 1 साल में जो हमको 6 बार ब्याज देना है, जब तो 2 महीना पर देंगे तो टोटल 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 बार ब्याज देना होगा, यानी कि 12 वर्ष हो जाएगा। तो छमाही तिमाही का खेल समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए, यहां तक यदि हम निष्कर्षता देखेंगे तो क्या निष्कर्ष निकला, देखिए, यदि ब्याज की दर वार्षिक हो और ब्याज यदि तिमाही संयोजित होता हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट में जो है 4 से क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। और समय जो है, समय में क्या करना पड़ता है, समय में जो है क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। यही तो अभी तुरंत हुआ है, यानी कि रेट में जो 4 से भाग लग गया और समय में 4 से गुना हो गया। क्यों गुना हो गया, क्योंकि एक वर्ष में जो है टोटल क्या वो तिमाही होगा, 4 तिमाही होगा, इसीलिए मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 भाग में बढ़ जाएगा। 4 भाग में बढ़ने का मतलब है भाग देना पड़ेगा और समय जो है 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष जो है कितने जो है 3-3 भाग में बटेगा, तो 4 बार 3-3 भाग में बटेगा, इसीलिए समय में 4 से गुना। और छमाही में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2 भाग में बढ़ जाएगा, यानी रेट में 2 से भाग लग जाएगा। क्यों 2 से भाग लगेगा, क्यों 2 से भाग देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होता है, इसीलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 भाग में बढ़ जाएगा। और समय क्या होगा, समय में जो है 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। वही यदि 2 मही का बात करेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है क्या होगा, 6 भाग में बढ़ जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 2-2 भाग का यदि बात करेंगे, 2-2 महीना का बात करेंगे, 6 बार हमको ब्याज देना पड़ेगा। जब 6 बार ब्याज देना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 6 से भाग लग जाएगा। और समय क्या होगा, 6 गुना से बढ़ जाएगा, 6 गुना हो जाएगा समय में। क्यों ऐसा होता है, चीजें समझ में आ गया होगा। अब इस पे आधारित हम प्रश्न का बात करते हैं। देखिए प्रश्न बोर्ड पर है, कहता है 125,000 रुपया का यहाँ पे आपका मूलधन जो दिया है 125,000 रुपया, 8% वार्षिक दर से, यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% वार्षिक है दर से 9 माह का CI क्या होगा, यानी टाइम जो यहाँ पे दिया हुआ है 9 माह का CI पूछ रहा है। और ब्याज कहता है क्या, ब्याज तिमाही संयोजित हो, यानी कि ब्याज मेरा वार्षिक नहीं है, यदि ब्याज वार्षिक रहेगा तो हम यहीं पे सॉल्यूशन करेंगे, कुछ चेंजिंग नहीं करना होगा। लेकिन कहता है ब्याज तिमाही संयोजित होता है, जब ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो आपका समय और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर दोनों बदल जाएगा। किस तरह बदलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरा वार्षिक है और ब्याज तिमाही संयोजित होता है, हमको क्या करना होगा, अब 3-3 महीना में जो है क्या करना होगा, ब्याज देना होगा। जब 3-3 महीने में ब्याज देना होगा तो क्या हो जाएगा, जब तिमाही संयोजित होता है, तिमाही संयोजित जब होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करते हैं, हम 4 से भाग देते हैं, तो जो मेरा 8% था ब्याज अब वह 2% बन जाएगा। क्यों ऐसा होता है बता चुके हैं। और यह जो मेरा 9 महीना है, अब जरा सोचिए, एक वर्ष बराबर 12 महीना होता है, तो 12 महीना में जो टोटल क्या गो तिमाही होता है, 4 तिमाही होता है, या 9 महीना है, तो 9 महीना में क्या गो तिमाही होगा, तो 3 तिमाही होगा, क्यों, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यदि हमको ब्याज देना, एक बार यहाँ पे देना होगा, फिर एक बार इस 3 महीना को मिला करके देना, एक बार इस 3 महीना को मिला करके देना होगा, तो टोटल जो है 9 महीना हमको कितना बार ब्याज देना होगा, यहाँ पे 3 बार, यानी कहने का मतलब 9 बार जो है 3 वर्ष बन जाएगा एक तरह से मान लीजिए। अब निकाल लीजिए, आपका मूलधन 125,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% और समय हो गया 3 वर्ष, तो अब यहाँ से आप ब्याज निकाल सकते हैं, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, या तो लाइन मेथड से या तो अनुपातिक मेथड से। यदि आप अनुपातिक मेथड को अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 125,000 का जो है 2% निकालना होगा, 2% निकालने का मतलब 1/50,
तो 0 0 खत्म और 5 से भाग लगेगा, इसमें कितना हो जाएगा 25 और 2 0 बच जाएगा, तो हो गया कितना 2500। अब 2500 का निकालना होगा 1/50, 50 और 0 0 खत्म, फिर 5 से भाग लगेगा, यहाँ हो जाएगा 50। फिर अब 50 का निकालना होगा 1/50, कितना हो जाएगा 1। तो 3 वर्ष का रेशियो क्या होता है, 3:3:1, कैसे पहला वीडियो देखिए। तो 3 से जो इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7500, फिर 3 से इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 150, फिर 1 से इसमें गुना हो जाएगा तो जाएगा 1 1 5 6 7, यानी आपका सीआई कितना हो जाएगा 9 महीना का 7651 रुपया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं इस प्रश्न को, देखिए क्या कर रहा है, 5000 रुपया का, यानी कि मूलधन आपका यहाँ पे हो गया 5000 रुपया, 5000 रुपया का 1.5 वर्ष में समय हो गया आपका 1.5 वर्ष, यानी कहने का मतलब है 3/2 वर्ष, पूर्णांक घटाएंगे तो 4% वार्षिक दर से, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 4% वार्षिक दर से सी आई क्या होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। यदि ब्याज छमाही दे हो, ब्याज छमाही दे हो, इसका मतलब है कि ब्याज यदि छमाही संयोजित हो रहा है तो आपका समय और ब्याज की दर बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा, तो समय क्या होता है यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है, समय में जो है 2 से गुना हो जाता है, क्यों होता है तो बता चुके हैं, और इस रेट में क्या होगा 2 से भाग लग जाएगा, या जो मेरा 4% है अब कितना बन जाएगा 2% बन जाएगा। तो अब जो है निकाल सकते हैं यहां से, अब लाइन मेथड इस बार अप्लाई करते हैं, पहले बार अनुपातिक मेथड अप्लाई किए थे, देखिए यहाँ पे समय क्या हो गया है, समय 3 वर्ष, तो यह जो समय 3 वर्ष हो गया तो इस लाइन को क्या भाग में बांटना होगा, 3 भाग में बांटना होगा। अब क्या करेंगे, यह जो मेरा मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपया, 5000 रुपया का कितना परसेंट निकालना होगा 2%, यानी 1/50 निकालना होगा, 50 से इसमें भाग लगेगा, 50 से भाग 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, और ऊपर में दिया एसआई लिखाता है और नीचे जो सीआई और एसआई का अंतर लिखाता है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100 हो जाएगा। यह सब निकालने सिखा चुके हैं, पहला वीडियो देखिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पहले जो ब्याज है उसका लगेगा 1/50 यानी 2, फिर यहाँ पे क्या होगा, इसके पहले जो ब्याज है उसका जो 1/50, 100 + 100 कितना हो जाएगा 200, और 200 + 2 कितना हो जाएगा 202 का 1/50 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो भाग दे दीजिए 50 से इसमें 202 में, 50 × 200 यहाँ हो जाएगा, फिर दशमलव यहाँ 0 भाग लगेगा 0 यहाँ भी 0, 50 × 100 यानी हो जाएगा 4.04। अब आपको क्या निकालना है, सीआई निकालना है, तो सीआई निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जितना भी चीज लिखा हुआ है, जितना भी ब्याज लिखा है सबको जोड़ेंगे, 100 100 100 कितना हो जाएगा 300, फिर 2 तो 302 और प्लस 4.04 क्या हो जाएगा 04, तो हो जाएगा कितना 306.04 आपका सीआई हो जाएगा। तो यह सब जो पहला वीडियो का टर्म है, यहां से जो है आपका पहला वीडियो का टर्म हो जाता है, इसीलिए पहला वीडियो देखना जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न है 9000 रुपया का, तो मूलधन हो गया आपका यहाँ पे कितना 9000 रुपया का 10% वार्षिक दर से, रेट हो गया आपका क्या 10% वार्षिक, 2 वर्ष 4 महीना, यानी कि समय यहाँ पे बोला जा रहा है 2 वर्ष 4 माह का सीआई कितना होगा, यदि ब्याज जो है वार्षिक दे हो, ब्याज वार्षिक दे हो तो बोला जा रहा है यहाँ 2 वर्ष 4 माह का ब्याज क्या होगा। तो ऐसा यदि प्रश्न रहे तो आप जो है लाइन मेथड अप्लाई कीजिएगा, वैसे जो है अनुपातिक मेथड से भी बनेगा, लेकिन 4 वर्ष तक का प्रश्न बनेगा, उसके बाद जो है मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए जो है लाइन मेथड जो आपका है वह बेस्ट मेथड होता है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ चेंजिंग नहीं होगा, क्यों चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है यदि ब्याज वार्षिक दे हो, यदि तिमाही छमाही या दो माही रहता तब जो चेंज करते,
तब मेरा समय और रेट बदलता, लेकिन यहाँ पे वार्षिक ले रहा है ब्याज, इसीलिए बदलेगा नहीं। अब 2 वर्ष 4 माह का ब्याज पूछ रहा है, तो जो है हम लाइन को क्या भाग में बांट देंगे, 3 भाग में बांट देंगे। काहे 2 वर्ष से अधिक है, 3 माह तक का हमको ब्याज निकाल, 3 वर्ष तक का हमको ब्याज निकालना होगा। तो ऊपर में तो यहाँ पे क्या लिखाएगा SI, और नीचे तो डिफरेंस लिखाएगा CI और SI का। तो 9000 का क्या करेंगे हम, 10% निकाल लेंगे, तो 1 वर्ष का SI हो जाएगा। 9000 का 10% तो हो जाएगा कितना, 900 रुपया। यहाँ भी 900 होगा, यहाँ भी 900 और यहाँ भी 900 हो जाएगा। बार बार बोल रहे हैं, यदि यह चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप पहला वीडियो देख लीजिए। 9000 रुपये 900 900 900 हो गया। अब यहाँ पे तो 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या होगा, इसके पहले जो ब्याज है उसका 10%, इसके पहले ब्याज सिर्फ 900 है, 900 का 10% 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसके पहले जो ब्याज है उसका यहाँ पे हो जाएगा 10%, तो कितना हो जाएगा, 900 900 1800 प्लस 90, तो हो जाएगा 1890 का 10% हो जाएगा कितना यहाँ पे, 189। अब जरा से यहाँ पे देखिए, हम क्या बोले थे, यह जो मेरा होता है इसको और इसको जोड़ देंगे, यह हो जाएगा पहला वर्ष का CI या SI, पहला वर्ष का CI SI बराबर होता है, और यह जो होगा सिर्फ होगा दूसरा वर्ष का CI। यदि हम आपसे पूछें सिर्फ दूसरा वर्ष का CI कितना है, तो 990 रुपया हो जाएगा। यदि हम आपसे पूछें सिर्फ तीसरा वर्ष का, 3 वर्ष का नहीं, सिर्फ तीसरा वर्ष का CI कितना होगा, तो 900 प्लस 189 रुपया, इस दोनों को जोड़ देंगे। तो लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष 4 माह का CI क्या होगा। तो सबसे पहले 2 वर्ष तक का CI निकालिए, 2 वर्ष तक का CI क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको जोड़ना होगा, कहे 2 वर्ष तक का, यहीं से लेकर यहीं तक कम होगा, 900 प्लस 900 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 1890 रुपया यह CI में निकला। सिर्फ निकला है किसका, 2 वर्ष तक का, लेकिन हमको 4 माह का और निकालना है 2 वर्ष के बाद, तो आपको तीसरा वर्ष जाना होगा। तो देखिए केवल 3 वर्ष का, यानी केवल तीसरे वर्ष का जो है CI कितना है, 900 प्लस 189 कितना होगा, 9 8 9 1 10 1089। तीसरे वर्ष का CI आपका 1089 है, तीसरे वर्ष कहने का मतलब है तीसरे वर्ष भी, यानी 12 महीना के समतुल्य होगा, तो 12 महीना का CI 1089 रुपया है। तो आपका 1 माह का कितना होगा, 1089/12, इसीलिए 4 महीना का CI कितना होगा, तीसरा वर्ष में तुमको 4 महीना तक का ब्याज लगेगा, तो 4 से इसमें भाग लग जाएगा 3, अब 3 से लग जाएगा कितना होगा, 3 3 9 1 8 3 6 18 3 3 9 363 रुपया। तो आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 363 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 3 9 प्लस 6 15 8 3 11 1 12 1 2, यानी 2200 कितना हो जाएगा, 53 रुपया। ऐसा ही हम प्रश्न दूसरा प्रकार का देखते हैं। देखिए बिल्कुल सेम प्रश्न है अभी जैसा बताए, प्रश्न है 1000 रुपया का, तो मूलधन आपका यहाँ पे हो गया कितना, 1000 रुपया। 10% वार्षिक दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% वार्षिक बोला जा रहा है। 1 वर्ष 73 दिन का टाइम दिया है यहाँ पे, क्या 1 वर्ष 73 दिन, इसका आपको निकालना है CI। तो लाइन मेथड अप्लाई करेंगे ऐसा प्रश्न के लिए। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि हमको अनुपातिक मेथड से बनाना है, तो आपको बता रहे हैं 4 वर्ष तक जो आसानी से बन जाएगा, उसके बाद मामला गड़बड़ होने लगता है। यदि 4 वर्ष तक भी आप सीखना चाहते हैं अनुपातिक मेथड से, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, बता देंगे। तो देखिए यहाँ 1 वर्ष 73 दिन है, तो 1 वर्ष तो सॉलिड हो जाएगा यहाँ, अब 73 दिन, तो इसीलिए 2 वर्ष तक का हमको CI निकालना होगा। तो लाइन को 2 भाग में बांट देंगे, तो यहाँ पे तो है SI लिखाता है, और नीचे CI और SI का अंतर यानी डिफरेंस लिखाता है। तो 1000 का जो यहाँ पहला वर्ष का SI क्या हो जाएगा, 1000 का 10%, तो कितना हो जाएगा, 1000 का 10% 100, पहला वर्ष का SI 100, तो दूसरा वर्ष का भी SI यानी कि साधारण ब्याज 100 हो जाएगा, ऊपर में साधारण ब्याज ही लिखाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, 0, और यहाँ क्या होगा, इसके पहले जो भी ब्याज है उसका 10%, इसके पहले जो भी ब्याज है 100 का 10% कितना होगा, 10। तो अब जरा सा यहाँ पे देखिए, 1 वर्ष तक का CI और SI कितना हो जाएगा मेरा, 100 प्लस 0, तो यहाँ पे तो मेरा हो जाएगा कितना, 100 रुपया। अब दूसरा वर्ष का जो है हमको CI नहीं निकालना है, क्योंकि दूसरा वर्ष में जो है 365 दिन का नहीं ब्याज हमसे मांगा गया है, सिर्फ 73 दिन का ब्याज मांगा गया है। तो सिर्फ दूसरे वर्ष का CI क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 110 रुपया हो जाएगा, सिर्फ दूसरे वर्ष का CI।
तो सिर्फ दूसरे वर्ष का सीआई हो गया कितना 110 रुपया, यानी कि दूसरे वर्ष में 365 दिन का सीआई 110 रुपया आपसे आपका हो जा रहा है। इसीलिए 73 दिन का कितना हो जाएगा, 73 डेज का सीआई कितना होगा 110/365 × 73, 73 से भाग लगेगा यहाँ 5, 5 से भाग लगेगा 22, तो आपका टोटल सीआई कितना होगा एक वर्ष 73 दिन का 100 + 22 हो जाएगा 122 रुपया उत्तर। तो ऐसा प्रश्न आपसे बन जाएगा।